आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि डेली रनिंग नहीं करनी चाहिए, इससे इंजरीज हो जाती हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप डेली मैक्सिमम एफर्ट तक पुश करेंगे रनिंग करते हुए, हाई इंटेंसिटी रनिंग डेली करते रहेंगे, तब जाके आप लोगों को इंजरीज होंगी, क्योंकि उससे आपकी मसल्स ओवर यूज़ हो जाएंगी और उन्हें रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप इंजरी फ्री और सेफली रनिंग डेली करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंटेंसिटीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपकी बॉडी को रिकवर होने का टाइम भी मिलेगा। डेली रनिंग इंटेंसिटी को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ज़रूरी नहीं कि आपको ये रूटीन फॉलो करना है। डे 1 पे आप लोग मैक्सिमम एफर्ट स्प्रिंटिंग करेंगे, जैसे कि आप लोग 200 मीटर के 5 राउंड्स करेंगे, जिसमें कि आप मैक्सिमम एफर्ट के साथ स्प्रिंट करेंगे। जितनी ताकत लगा के आप तेज भाग सकते हैं आप भागेंगे। अब यहाँ पे स्प्रिंटिंग का डिस्टेंस और उनके राउंड्स आप अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब डे 2 पे हम लोग 15 से 20 मिनट लो पेस के साथ रनिंग करेंगे। अब यहाँ मेरा लो पेस से मतलब ये है कि जो हमारी रनिंग स्पीड है वो बहुत स्लो रहने वाली है, जैसे कि जॉगिंग में होती है। जॉगिंग काफ़ी ईजी होती है, हमारे जॉइंट्स और मसल्स पे बहुत हैवी नहीं होती स्प्रिंटिंग की तरह। अब डे 3 पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम डे 2 फॉलो करेंगे या फिर हम डे 3 पे मॉडरेट पेस के साथ 10 से 15 मिनट रनिंग करेंगे। अब मॉडरेट पेस से मेरा यह मतलब है कि इतना तेज नहीं भागना जितना स्प्रिंट होता है, और इतना स्लो भी नहीं भागना जितना जॉगिंग होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 15 से 20 मिनट की टाइमिंग्स बता रहा हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं आपको 15 से 20 मिनट ही करनी है। आप अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं।